सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको नेक्स्टेरा मैप की CSN के अंदर टॉप 5 न्यू हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप यूज करते हो तो गाइज आप बहुत ही इजीली एनिमी को किल कर सकते हो और वन साइडेडली बुइया निकालकर ग्रैंड मास्टर कर लोगे। और गाइज, अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट कम्प्लीट करा देते हो तो नेक्स्ट वीडियो में जो चार्ज बस्टर टिप्स एंड ट्रिक्स पर लाने वाला हूँ। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किया चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट हिडन प्लेस की ओर। सो गाइज, अपनी फर्स्ट हिडन प्लेस आने वाली है फार्म टॉपिया पे। तो गाइज, ये वाली जो हिडन प्लेस है ये विदाउट ग्लोबल होने वाली है। आपको क्या करना है, राउंड स्टार्ट होते ही आपको इस साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप देखते हो जैसे आप बैठ जाओगे यहाँ पे आप पूरी तरीके से हाइड हो चुके हो और बहुत ही इजीली यहाँ से ऊपर के जो लिफ्ट में बंदे बैठे रहेंगे उनको किल कर सकते हो और जो भी नीचे से बंदा आएगा उसको किल कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो एक एनिमी आता है, उसको मैं यहाँ पे बहुत ही इजीली नॉक कर लेता हूँ और यहाँ पर वो क्लियर भी हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो ये वाला जो हिडन प्लेस है इसे एक बार जरूर से ट्राई करके देखना, ये हिडन प्लेस आपके बहुत काम आने वाला है, एक बार ट्राई करके देखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन प्लेस की ओर। सो गाइस, अपनी सेकंड हिडन प्लेस आने वाली है जिप्पे में। आपको क्या करना है, आपको सीधा इस साइड में आ जाना जैसे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको ग्लूवल सेट कर देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ देखते हो आपको ग्लूवल एकदम सही से लगाना है, अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दोगे ना तो गाइस इसी हिडन प्लेस के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको ग्लूवल के पास में अपने टीममेट को बिठा देना जैसे मैंने बिठा दिया और उसके ऊपर जंप करके आपको ग्लूवल पे जंप कर देना और ग्लूवल से सीधा इसके ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कवर देखने को मिलता है जहां से आप इजीली एनिमी को किल कर सकते हो। देख सकते हो सामने एक एनिमी रहता है जिसको मैं दो यहाँ पे एडवेम के शॉट मारता हूं और वो नॉक हो जाता है और यहाँ से गाइस आप बहुत ही इजीली किल निकाल सकते हो। सामने आपको पता रहेगा ड्रॉप पे भी एनिमी आते हैं और यहाँ से गाइस आप बहुत ही इजीली किल कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन प्लेस की ओर। सो गाइस, अपना नेक्स्ट हिडन प्लेस आने वाला इंटेलेक्ट सेंटर पे। गाइस, ये वाला जो हिडन प्लेस है यहाँ पर जोन बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो हिडन प्लेस है इसे सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्लैश कार्ड में यूज करना। आप यहाँ देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे ग्लूवल लगा रहा हूँ ना, आपको वैसे ही यहाँ पे ग्लूवल जल्दी से लगा देना। आप यहाँ पर जो तासुए करेक्टर का भी यूज कर सकते हो जल्दी आने के लिए। और अब आपको यहाँ पे घर के ऊपर आ जाना, जैसे मैं आ चुका हूँ, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ग्लूवल पे जंप करना है। यहाँ देख सकते हो मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ यहाँ पर आपको ग्लूवल पे जंप कर देना। अब यहाँ पे ग्लूवल के ऊपर जंप करके यहाँ से सामने पूरा एरिया आपको यहाँ पे कवर कर सकते हो, बहुत इजिली यहाँ से किल निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन प्लेस की ओर। तो गाइस, अपना नेक्स्ट हिडन प्लेस आने वाला है म्यूजियम में। और गाइस, ये वाला हिडन प्लेस थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। यहाँ देख सकते हो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जल्दी से तासुए करेक्टर के हेल्प से यहाँ पर आ जाने, जैसे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको तीन ग्लूवल की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो सोलो का हिडन प्लेस है, आपको तीन ग्लू ऐसे सेट कर देना जैसे मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पर जंप करके यहाँ पर जंप कर देना, अब यहाँ पे सीधा आपको ग्लूवल पे जंप करना। ग्लूवल से यहाँ पे साइड में आपको एक पेंटिंग दिख रही है, इसके ऊपर जंप कर देना, आप यहाँ पर आकर के अटक जाओगे और यहाँ से गाइस आप पूरा जो म्यूजियम का एरिया रहेगा उसे कवर कर सकते हो और यहाँ से बहुत ही इजिली आप किल निकाल सकते हो। यहाँ से कोई भी एनिमी आपको नोटिस करने वाला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी एनिमी ने आपको नोटिस कर लिया तो गाइस आपको यहाँ पे बहुत इजीली वो किल कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो सामने एनिमी रहता है, उसको मैं नॉक कर देता हूँ। बार बार मैं एनिमी को यहाँ पे AWM से डैमेज दे जा रहा हूँ, उनको पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एनिमी बैठा हुआ है। और यहाँ पे गाइस मैं नेड भी करता हूँ, नेड भी से यहाँ पे जो मेरा जो नॉक किया था क्लियर हो जाता है और वो एनिमी सारे यहाँ पे वाइप आउट हो जाते हैं और मेरा बुइया हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम प्लेस की ओर। सो गाइस, अपना लास्ट टाइम प्लेस आने वाला है ग्रैव लैब पे। ये वाला जो टाइम प्लेस है विदाउट ग्लूवल होने वाला। आपको क्या करना, सिंपल सा इस साइड में आ जाना जैसे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आकर के आपको बैठ के इस साइड में आ जाना जैसे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आकर के अपना एक इनविजिबल वॉल रहती है, उस पर आकर के अटक जाओगे और यहाँ से पूरी तरीके से आप हाइड हो चुके हो। अब इसी हिडन प्लेस का ये एडवांटेज मिलेगा कि जो भी एनिमी ऊपर से रश करेगा ना, उसको आप यहाँ से बहुत ही इजीली सरप्राइज अटैक दे सकते हो और नीचे से कोई भी एनिमी फ्लैंक करेगा ना, उसे भी यहाँ से आप बहुत इजीली किल कर सकते हो। तो गाइस, इस वाले हिडन प्लेस को भी एक बार जरूर से ट्राई करना। सो गाइस, आज की वीडियो की जो बोनस हिडन प्लेस होने वाली है वो होने वाली है अपनी जिप्पे के अंदर। आपको क्या करना है, जल्दी से इस साइड में आ जाना जैसे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको एक ग्लूवल लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे करके लगाना है। अब आपको अपने टीममेट को बिठा देना है, अपने टीममेट के ऊपर से जंप करके इसके ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर देखते हो यहाँ पे थोड़ा सा आगे होगा ना, यहाँ देखते हो कंटेनर पे भी बैठ सकते हो, वरना अगर आप थोड़ा आगे होगे तो यहाँ पर भी आप गाइस पूरे तरीके से हाइड हो चुके हो और जो भी एनिमी आएगा इसको यहाँ से आप बहुत इजीली किल कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो को करते हैं एंड। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी और वीडियोज के लिए। और गाइस, आज की वीडियो के जो 3 लकी कमेंट्स होने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पिक करूँ तो जल्दी से जाओ, एक प्यारा सा कमेंट लिख दो या फिर कोई ना कोई शायरी जल्दी से कमेंट कर दो।